नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे SBI की एक शानदार स्कीम के बारे में। जब से स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक, इस स्कीम ने 20.78% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल का रिटर्न है 17.95%। अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 3 साल में स्कीम ने 26.80% रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल का इसका रिटर्न 53.63% है। SBI की स्कीम का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक मिड कैप फंड है जो मिड साइज की कंपनियों के शेयरों में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे सीला फोम, पेज इंडस्ट्रीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, JK सीमेंट, थर्मैक्स आदि। दोस्तों, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बेहद रिस्की होते हैं, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपए और लमसम 5000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो आप SIP के जरिए यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, और दूसरा आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में एक साथ 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा, या फिर अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम 50,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 20% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 74,416 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 1,24,416 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,59,587 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 3,09,587 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 7,20,351 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 7,70,351 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 18,66,880 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 19,16,880 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 47,19,811 रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 47,69,811 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.18 करोड़ रुपए का। 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो पैसे मिलेंगे वो 1.19 करोड़ रुपए होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक साथ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 30 साल में 1.19 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई लमसम इन्वेस्टमेंट की। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 20% का, जो कि इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 21,727 रुपए का। 30,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद वो 51,727 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,31,182 रुपए का। 60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 10 साल के बाद वो 1,91,182 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 15 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 4,77,147 रुपए का। 90,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 15 साल के बाद वो 5,67,147 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 14,60,740 रुपए का।
1,20,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 20 साल के बाद वो 1,580,740 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 43,63,354 रुपए का। 1,50,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 25 साल के बाद वो 43,13,354 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.15 करोड़ रुपए का। 1,80,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो 1.17 करोड़ रुपए की होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप स्कीम के अंदर 500 रुपए महीना से SIP शुरू करके 30 साल में 1,80,000 रुपए जमा करके 1.17 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।